आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जो बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में क्या घटित होता है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, और आपको कब पढ़नी चाहिए, किस दिन पढ़नी चाहिए जिससे वो सारी चीज़ें फलीभूत हों, सारी बातें इस एक वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ किसी और का नहीं, खुद अपना अनुभव आप लोगों को बताने जा रही है। एक एक बात को ध्यान से सुनना और फिर जैसा बताया गया है वैसा ही अप्लाई करके देखना। जैसे हमारी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। खुद बाबा हनुमान 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद भी है कि आप सभी को समझ और पसंद भी आएगी। उसके साथ आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, यह आपका अपना परिवार है। जुड़ जाइए परिवार से और अन्य प्रेमियों को भी जोड़िए इस परिवार से। एक बार कमेंट में सभी प्रेमी जय श्री राम जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा हनुमान को भगवान श्री राम का नाम अति प्रिय है, बड़ा ही प्रिय है, तो सभी लिखेंगे। एक बार जिनको लिखना नहीं आता वो सिर्फ बोल देंगे जय श्री राम। आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बाबा हनुमान की एक ऐसी सुंदर सी रचना कर रखी है जिसे आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय पढ़ लिख गा सकते हो। आपने हनुमान चालीसा जब पढ़ी सुनी होगी, उसमें एक चौपाई आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरीसा। इससे पहले आप लोगों के बहुत ज़्यादा हमारे पास फोन आए हैं, नीचे कमेंट्स भी आए हैं। आप लोगों ने पूछा है कि क्या महिलाएं, क्या स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से जवाब दिया हुआ है। क्या जवाब? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो का मतलब कोई भी, नहीं लिखा गया पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री पढ़े हनुमान, नहीं, जो कोई भी पढ़े, कोई भी उम्र हो, कोई भी आप हो, जो यह पढ़े, सुने नहीं, पढ़े यानी पढ़ना है, किताब में जो पुस्तक इस समय आपके पास है उसके अंदर आपको पढ़ना है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो जो पढ़ लिख नहीं सकते वो सुने, ठीक है ना। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते रहो लेकिन रुको मत। ठीक उसी प्रकार पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुनने से भी वो फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि आप उस चीज को पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हो, सुनो उस चीज को। होए सिद्ध साक्षी गोरी ईसा, यानी सिद्ध होगी, कैसे मान ले कि सिद्ध होगी, साक्षी हैं भगवान शिव और माता पार्वती साक्षी हैं कि जो कोई भी इस चालीसा को 100 बार पढ़ लेगा वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी उसकी जुबान पर। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लो काम बन जाएंगे। अरे मेरे भाई, हनुमान चालीसा तो पहले से ही सिद्ध है, हमें सिर्फ उसे अपनी जुबान पर सिद्ध करनी है। तो जो भी प्रेमी, अगर आपसे 100 पाठ नहीं हो पाते तो नियमित एक पाठ का नियम बना लो, सुबह या शाम, या सुबह शाम दोनों समय। एक बार जब पूजा करो, आप पूजा स्थान पर बैठकर पढ़ो, उसका लाख गुना ज्यादा फल मिलेगा। और हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो ज्ञान शिरोमणि, वीर शिरोमणि और भगत शिरोमणि है। वो जो आप लोगों ने सुना, वो लोग बोलते हैं हनुमान जयंती, याद रखना कभी भी हनुमान जयंती नहीं होती भाई। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं। भगवान हनुमान कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आना जाना हम लोगों के लिए है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो 100 बार जो प्रेमी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं अपने घर के मंदिर में या किसी सिद्ध पीठ में बैठकर, 100 बार हनुमान चालीसा का एक ही स्थान पर बैठकर हाथ में जल के द्वारा जो संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प के साथ जब हम एक ही स्थान पर बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, उसी समय से, उसी क्षण से हनुमान चालीसा हमारी जिह्वा पर सिद्ध हो जाती है। हम कैसे भी पढ़ें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस तरीके से भी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस तरीके से भी, मन मन में बोल के भी, या फिर इतना बोल के कि सिर्फ खुद खुद को सुने, जैसा भी आपको उचित लगे, उसी प्रकार से जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपके सामर्थ्य है, उसी अनुसार पढ़ो उस चीज को। 100 बार पढ़ते ही हनुमान चालीसा आपकी जुबान से सिद्ध हो जाएगी, यानी यो कहूं कि एक प्रकार से आपकी जिह्वा शुद्ध और सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी बात बोलोगे वो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखना,
अगर आपने किसी के लिए बुरा बोल दिया तो वो बुरा भी सच्चा हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास और सामने वाले के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आपने जानबूझकर किसी को गलत भाषा का प्रयोग कर दिया, जानबूझकर अपने इस चीज का प्रदर्शन किया, जानबूझकर इस चीज का घमंड दिखाया, या जानबूझकर किसी को डराया कि मैं जो बोल दूंगा वो सफल हो जाएगा, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आपसे वो आपकी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और आपकी आपने जो सोच आलिशा की थी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही देवता क्यों है, हम क्यों नहीं है देवता भाई? उनकी पूजा क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो देवता है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म का और सत्य का, अच्छाई का साथ देते हैं। उनका मकसद ये नहीं था कि हमारे पास दैवीय शक्तियां हैं तो पता नहीं हम किसका विनाश कर देंगे। याद रख लेना, किसी भी देवी देवता ने बिना कारण किसी का वध नहीं किया। जो धर्म के कार्य में बाधा डाल रहे थे सिर्फ उनका वध किया। उसके साथ साथ अगर आप भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना चाहते हो तो मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, कोई भी त्योहार, बाबा हनुमान का जन्मोत्सव, बताया ना जयंती नहीं होती कभी भी, आना जाना हम लोगों के लिए भाई उनके लिए नहीं है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कभी भी जयंती नहीं होती। तो जब कोई भी शुभ समय हो, रामनवमी है, महाशिवरात्रि है, अमावस्या है, मंगलवार शनिवार है, नवरात्रे चल रहे हैं, कोई भी विशेष त्योहार है, उस दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और वहां से संकल्प लेकर बैठना है आपको कि मेरा नाम ये है, पिता का पति का नाम ये है, 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ। आपको पढ़ने में जो भी समय लगे उस हिसाब से आप पढ़ते चले जाइए और 100 हनुमान चालीसा पूर्ण होते ही अपने हाथों से आरती जरूर करनी है, उसके बाद आपको आरती जरूर करनी है, और जो भी आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, उसको दान दक्षिणा करनी है, हो सके तो बाबा हनुमान के नाम का एक छोटा सा हवन भी करवा दीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। हमने भी आदेशानुसार, भगवान शिव के आदेशानुसार हमने यही काम किया था, और उस दिन के बाद से बाबा हनुमान ने, चलो नहीं बताऊंगा आगे ये बात, फिर आप लोग और तरीके से पीछे पड़ जाओगे, कोई नहीं, जैसे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि बाबा जैसे आपने अपने इस बच्चे की जिंदगी बदल दी, जैसे आपने इस बच्चे को गोद में उठा लिया, जैसे आपने इस बच्चे को थाम लिया, संभाल लिया, वैसे आप सभी प्रेमियों को संभाल लेना, सभी को अपने निकट रखना, सभी के निकट आप खुद रहना, और सभी से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि समय निकालो इस दौड़ धूप से भागती हुई जिंदगी से। मानता हूं आज लोग नहीं मानते इन चीजों को, दकियानुसी बातें कहते, लेकिन मेरे भाई याद रखना, अगर सामने कोई ऐसी चीज खड़ी है जो आपकी ए की दो बी की दो उस चीज को हटा नहीं सकती, वहां पर आपको इन चीजों का सहारा लेना ही पड़ेगा। विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन वास्तविक ज्ञान अपनी जगह सही है और वो चलता रहे। विज्ञान कल आई है, हमारा सनातन धर्म प्राचीन काल है, आदिकाल है, उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो इस हिसाब से सभी प्रेमी सांसारिक रूप से भी चलते रहिए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी असली पहचान अध्यात्म के तौर पर है, विज्ञान के तौर पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राम।